जहाँ दूसरे एनिमल्स अपनी भूख मिटाने के लिए पेड़ पौधों और अलग अलग जानवरों का शिकार करने के बाद उन्हें नुकीले दांतों की मदद से चबा चबा कर हजम कर जाते हैं, वही एंट ईटर के मुंह में दांत ही नहीं होते और वो सिर्फ चींटियां या दीमक खाकर अपना पेट भरते हैं। लेकिन इसके बावजूद मौका मिलने पर ये लेपर्ड और जैगुआर जैसे बड़े जानवरों को भी धूल चटा देते हैं। वैसे ये तो इन डेयरडेविल क्रिएचर्स की स्ट्रेंथ की छोटी सी झलक थी। आज के इस वीडियो में हम एंट ईटर्स और उनसे रिलेटेड कुछ इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स आपके सामने रखने वाले हैं, तो आखिर तक बने रहिएगा। एंट ईटर्स। दुनिया भर में एंट ईटर्स की चार प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें जॉइंट एंट ईटर, सिल्की एंट ईटर, नॉर्दर्न टमेंडुआ और सदर्न टमेंडुआ शामिल है। इनमें से सबसे बड़ी प्रजाति है जॉइंट एंट ईटर्स। जॉइंट एंट ईटर्स दूसरे जानवरों की तुलना में काफी अलग होते हैं। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, कलर और मेटिंग प्रोसेस दूसरे एनिमल से डिफरेंट होता है। इनका साइंटिफिक नेम वर्मिलिंगुआ है, भाई इनको एंट बियर के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर इन्हें सेंट्रल और साउथ अमेरिका, होंडुरस से नॉर्थ अर्जेंटीना, सोनोरा मेक्सिको, उरुग्वे, बेलीज, एल सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला जैसी जगहों में ग्रासलैंड और रेन फॉरेस्ट के खुले इलाकों में देखा जाता है। वही आराम करने के लिए ये घने जंगलों का रुख करते हैं। ऐसा देखा गया है कि ये जानवर अक्सर अकेले रहना ही पसंद करते हैं, सिवाय उस वक्त जब एक मादा अपने बच्चों को पाल रही होती है। जहां ज्यादातर जानवर साल के कुछ खास महीनों में ही मेटिंग करते हैं, वही इनका मौसम कभी भी बन सकता है। ये जीव साल के किसी भी मंथ में मेटिंग कर सकते हैं। इनकी प्रेम कहानी भी बड़ी मजेदार होती है। एक मेल एंट ईटर फीमेल की स्मेल के जरिए उसका पीछा करता है और इस तरह दोनों मिलते हैं। सब कुछ सही रहा और फीमेल साथ रहने को राजी हो गई तो दोनों परिवार आगे बढ़ाने की प्लानिंग पर काम करने लगते हैं। मेटिंग के बाद करीब 190 दिनों तक फीमेल गेस्टेशन पीरियड में रहती है। इस टाइम के बीतने के बाद माँ एक खूबसूरत पप को जन्म देती है। एंट ईटर बेबी। जन्म के समय आमतौर पर बच्चों का वजन 1.4 केजी तक होता है। इन बच्चों की बॉडी ब्लैक और व्हाइट कलर की होती है। पैदा होने के करीब 6 महीनों बाद बच्चे अपनी आंखें खोलते हैं। इसी वजह से जिंदगी के शुरुआती दिनों में माँ बच्चों को अपनी पीठ पर लादकर ही घूमती है। इस तरह बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। 3 महीने की एज आते आते ये सॉलिड फूड खाने लगते हैं। आपको बता दे कि ये बच्चे 9 महीनों से अपनी फैमिली का साथ छोड़ देते हैं। वही 2.5 से 4 साल की उम्र तक ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। ऐसे में ये बच्चे मेटिंग प्रोसेस को भी निभा सकते हैं, यानी अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं। एक एडल्ट का साइज 5 फीट 11 इंच से लेकर 7 फीट या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अकेले इनका सर ही 12 इंच का होता है। वही एक नर का वजन 33 से 50 किलो तक और मादा का वजन 27 से 37 किलो तक हो सकता है। आमतौर पर एक मेल का साइज फीमेल की तुलना में कुछ बड़ा और मस्कुलर होता है। बड़े शरीर की तुलना में इनकी आंखें और कान काफी ज्यादा छोटे होते हैं। वही इनकी पीठ पर खास तरह का हंप भी पाया जाता है। इनके पूरे शरीर पर ग्रेश, ब्राउन, ब्लैक और व्हाइट कलर के फर पाए जाते हैं। शरीर के दूसरे हिस्सों की तुलना में इनकी टेल पर मौजूद फर काफी ज्यादा बड़े होते हैं। उनके हर पैर पर 5 टोज पाए जाते हैं। वही इनके पंजे यानी क्लॉज काफी ज्यादा नुकीले और तेज होते हैं। इन्हीं पंजों की वजह से ये जानवर बड़े से बड़े शिकारी को भी घायल कर सकते हैं। ये पंजे सच में किसी नुकीली तलवार से कम नहीं होते हैं। इन्हीं की मदद से ये अपनी पूरी उम्र खुद को सुरक्षित रख पाते हैं। अगर इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो अगर ये कैद में है तो इनकी उम्र 16 साल तक देखी गई है। खैर, जंगल में ये 14 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। अपनी लंबी नाक, बुशी टेल और लंबे पंजों की वजह से ये काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। इनके शरीर पर ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट कलर होते हैं। चमकीले और भड़कीले रंगों की वजह से ये खुद को जहरीला दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी जानवर इन पर हमला ना करे। इसके अलावा ये खास तरह की आवाज निकालने के लिए भी जाने जाते हैं। आपको बता दें कि किसी भी मैमल की तुलना में इनके शरीर का तापमान सबसे कम होता है, जो लगभग 89 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। इस लो टेम्परेचर का कारण है इनकी डाइट। इसके अलावा मोटे फर्स की वजह से भी ज्यादातर समय इनका शरीर गर्म रहता है। ये जानवर अपने दिन का ज्यादा समय सोकर ही बिताते हैं। परिवार से अलग होने के बाद ही ये खुले इलाकों में पहली बार निकलते हैं। ऐसे में इन्हें कई तरह की नई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है, खासकर जंगली जानवरों का।
इनमें छोटे बड़े हर तरह के जानवर शामिल होते हैं। यहाँ तक कि जैगुआर और लेपर्ड जैसे खतरनाक शिकारी भी अपना पेट भरने के लिए इन जानवरों पर तिरछी निगाहें जमाए रखते हैं। ऐसे में कई बार एंटीटर्स पर ये जंगली जानवर भारी पड़ते हैं, तो कई बार ये शिकारी खुद शिकार हो जाते हैं। एंटीटर्स फाइट इन द जंगल। आप देख सकते हैं कि अनोखे जानवर किस तरह अपने से बड़े साइज के जानवरों से भी भिड़ जाते हैं। ऐसे में कभी कभार शिकारी जानवर इन पर भले ही भारी पड़ जाए, पर ज्यादातर इनका पलड़ा ही भारी रहता है। इसी वजह से कोई भी एनिमल इनसे टकराने से पहले 10 बार सोचता है। वैसे वाइल्ड एनिमल्स को तो छोड़िए, कई बार डॉग्स भी एंटीटर्स को हल्के में लेने की गलती कर बैठते हैं और पंगा लेने के बाद उन्हें समझ आता है कि एंटीटर्स के ज्यादा करीब पहुंचना जान से खेलने जैसा है। When antiter attacks dog, आप देख सकते हैं कि जिस वक्त एंटीटर अपने में मगन होता है, तभी एक डॉग इसके करीब पहुंचकर हमला करने की कोशिश करता है। ऐसे में एंटीटर्स को गुस्सा आ जाता है और डॉग को दम दबाकर भागना पड़ता है। अब तो आप समझ गए होंगे कि एंटीटर किसी से नहीं डरते। इसी आक्रामक स्वभाव की वजह से ये जानवर खुद का अस्तित्व बचाने में कामयाब हो सके हैं। वैसे शिकारी जानवरों का खाना बनने से बचने के साथ ही इन्हें अपने लिए भी खाने की तलाश करनी पड़ती है। एंटीटर्स ईटिंग। एंटीटर्स की आंखों की रोशनी काफी कम होती है, लेकिन इनकी सुनने की क्षमता कमाल की होती है और इसी वजह से ये अपने खाने की तलाश कर पाते हैं। ये एक दिन में एंट्स और टर्माइट्स के 200 से भी ज्यादा नेस्ट छान मारते हैं। इनको खाने में एंट्स और टर्माइट्स पसंद होते हैं। साथ ही ये एक दिन में 30,000 के करीब इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। बीटल, हनी बीज और मील वॉर्म्स इनको काफी ज्यादा पसंद होते हैं। ऐसे में ये अपने मजबूत पंजों की मदद से खुदाई करके अपनी चिपचिपी और लंबी जीभ की मदद से शिकार को लपक लेते हैं। इनकी जीभ 24 इंच तक लंबी होती है। ये खाते समय एक मिनट में अपनी जीभ करीब 160 बार मुंह के अंदर बाहर करते हैं। जैसा कि आपको बता चुका हूँ, एंटीटर्स के मुंह में दांत नहीं होते, इसलिए इन्हें खाने को चबाने और पचाने के काम पेट को ही करना पड़ता है। इसके अलावा इनकी जॉस का मूवमेंट भी बहुत कम होता है। बाढ़ और घास वाले इलाकों में ये सिर्फ चीटियों का ही सेवन करते हैं, क्योंकि इन इलाकों में टर्माइट्स की संख्या काफी कम पाई जाती है। एंटीटर्स एक दिन में करीब 3700 मीटर की दूरी तय कर सकते हैं। आपको बता दे कि ये ज्यादातर नाइट और अर्ली मॉर्निंग में एक्टिव रहते हैं, वही दिन के समय घनी झाड़ियों में आराम फरमाते हैं। आराम फरमाते वक्त ये अपनी पूंछ से पूरा शरीर ढक लेते हैं, यानी ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल एक चादर की तरह भी करते हैं। एंटीटर्स गजब के तैराक होते हैं और ये नदियों में आसानी से तैरते नजर आ जाते हैं। इसके साथ ही ये मौका पड़ने पर करीब 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ भी सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि जंगली जानवरों के शिकार किए जाने की वजह से आए दिन ये अनोखे जानवर अपनी जान गंवाते रहते हैं। इंसानों के द्वारा इनके इलाकों में घुसपैठ किए जाने की वजह से भी तादाद में भारी कमी आई है। कई एंटीटर्स जंगलों की आग की वजह से भी मारे गए हैं। यही नहीं, अपने क्लॉज की वजह से भी इनका भारी मात्रा में शिकार किया गया है। वैसे ऐसा नहीं है कि हर बार इंसान ही इन पर हावी हुए हैं, क्योंकि कई मामले ऐसे भी देखे गए हैं जब इंसानों की छेड़खानी का इन्होंने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे केसेस दर्ज हुए हैं जब इन जानवरों ने इंसानों पर अटैक किया और यहाँ तक कि उनकी जान ही ले ली। आपको बता दे कि ये खतरा महसूस होने पर ही हमला करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा शर्मीले स्वभाव के होते हैं और इंसानों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि ये जानवर खूंखार होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंटीटर्स विद ह्यूमंस। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह ये जानवर इंसानों के साथ खेलते हैं। यही नहीं, कई लोग तो इन्हें पालते भी हैं और अपने हाथ से खाना भी खिलाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम जानवरों के साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो जाहिर है कि ये जानवर भी हमारे साथ हारमनी में ही रहेंगे। हालांकि भारी मात्रा में शिकार किए जाने की वजह से बोलीविया जैसी जगहों में इन जानवरों की तादाद में भारी मात्रा में कमी देखी गई है। इसी के चलते अर्जेंटीना और कई सारी जगहों में इन जानवरों को बचाने की कोशिशें बढ़ा दी गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि एंटीटर से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।